best to give me your loyalty. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. And so hey guys, welcome back to the channel. It's Wim Diaz back again with another vlog. So yaar, ऐसे ये है सामने राहुल एंड हम हैं औरंगाबाद रोड पर. जैसे राहुल आया था नगर, अब ये कुछ दिनों के लिए, ये शायद हफ्ते भर के लिए नगर में ही है. उसके बाद हम मुंबई जाएंगे साथ में, ऐसा कुछ हमारा प्लान है. तो देखते हैं क्या है क्या नहीं, वो सब आगे आपको पता चलेगा. वैसे यार अभी हम जा रहे हैं एक थोड़ी सी राइड पे, जहाँ पर हमें कुछ कंटेंट शूट करना है. तो देखते हैं अभी. वैसे हम जा रहे हैं डोंगरगंज की ना, वहाँ पे थोड़ा जो थोड़ा बहुत पैच है, थोड़ा ना लीविंग वगैरह करने के लिए काफ़ी सही पैच है. अच्छा, थोड़ा खतरनाक भी है लेकिन काफ़ी सही. तो वहाँ पे कुछ कंटेंट शूट करना है हमें, मतलब मुझे कंटेंट शूट करना है रील्स वगैरह के लिए. कि ना जैसा डिसाइड किया कि रील्स और शॉर्ट दोनों रेगुलरली डालने हैं, मतलब हर रोज़. एंड ब्लॉग पे भी आते ही रहेंगे. जैसे ब्लॉग का भी मैं टाइम वगैरह चेंज करूँगा मैं, मतलब हर रोज़ सुबह में ब्लॉग डालता था, अभी ना टाइम मैं चेंज करके ट्राई करूँगा कि शाम में ब्लॉग डालूँ 4, 4:30 या 5 बजे के टाइम पे. तो वो जो भी होगा वो मैं ना आपको अपडेट कर दूंगा. ओके, तो बेसिकली अभी चलते हैं. वैसे आज संडे भी है, संडे राइड भी हुई है छोटी सी. एंड अभी टाइम अगर आपको बताऊँ तो 11:45 हो रहे हैं. मैं इसको बोला था सुबह 6:30 बजे जाएंगे, बट भाई बोलता है कि नहीं मेरे पास जैकेट नहीं है और ठंडी बहुत है तो यार मेरी फट जाएगी. मैंने कहा चल कोई ना, फिर कब जाना है. तो भाई बोलता है कि 9-10 बजे जाते हैं. मतलब ठीक है, तो भाई को बुलाया तो भाई आता है 10 बजे. चलो ये कुछ नहीं है, कोई बात नहीं. तो चलो वैसे आता जाए भाई, अभी राइड है. क्योंकि ये टाइम पे धूप वगैरह बहुत होती है, इसलिए मेरा ये टाइम पे नहीं था मन राइड करने का. बट अगर कोई नहीं, अभी निकल ही है तो करते हैं राइड, मज़े करते हैं. अभी जो राहुल है वहाँ पर जा रहा है रास्ता चेक करने के लिए कि भाई वहाँ पे रूट वगैरह है कि नहीं. ये रही अपनी प्यारी सी एरो. वहाँ पे अगर अच्छा रूट मिल गया हमें हम आगे जाएंगे गाड़ी लेके. एंड वहाँ पे ना थोड़ा अच्छा स्पॉट देख के आराम से बैठेंगे चिल करते हुए. कई तो ऐसी शांत जगह पे जहाँ पे एकदम शांति मिले, जहाँ पे बस हम हो बाकी कोई ना हो, ऐसी जगह पे जाके आराम करते हैं हम. कभी कभी तो सोच आते हैं पता है गाइस, मस्त छावा में ये पे थोड़ा बहुत पानी है वो भी जमा हुआ, देख सकते कितना गंदा हो गया वो जमा हुआ पानी. वैसे वो रहा मानसा सुम्बा, हम इस तरफ आगे जाएंगे तो गोरक्षनाथगढ़, हम बीच में आए हैं. वैसे मैंने कहा था कि हम डोंगरगंज जा रहे हैं, डोंगरगंज से एक टर्न आता है लेफ्ट लिए तो वही गोरक्षनाथगढ़ वो आता है. अगर सीधा सीधा गए भाई वो गाड़ी कहाँ पे लेके जा, देखो दिख रही है अपनी बाइक. तो जस्ट लगा दी व्यू भाई, अपने गाड़ी के फोटोज निकाल रहे हैं स्टोरी पे डालने के लिए. ओके, सो
मेरे अपनी पैरिस एरो है क्या फोटो आया है, क्या फोटो है। अरे एक्स थाउजेंड नहीं रही, जेड एक्स टेनर, टेनर मेनली कलर मुझे वाटती है ठीक है, टेनर पण नाही पण कोणती पण कावासाखी म्हणतो, कलर मुळे कावासाखी वाटती कुठं ना कुठं। सो गाइस जस्ट लुक एट दिस व्ह्यू, काफी एक प्यारा सा काफी ब्यूटीफुल सा व्ह्यू है आई की ना। आपण इथे सकाळी सकाळी आलो असतो ना, अरे मजा आली असती लई। आता इथं बसायला काही नाही पण इथं ऊन पण आहे बघ ना, चलो चलो अभी आपको कुछ देर में मिलते हैं, हम यहाँ पे बैठते हैं टाइम पास करते हैं, थोड़े झगड़े वगड़े भी कर लेते हैं, थोड़ा हमारा हिसाब बाकी है वो हिसाब पूरा करते हैं ज़रा सा, फिर आपको मिलते हैं। I'm ready for the झगड़ा, ये तो आज छोड़ूंगा नहीं इसको, साला फ़ोन पे बहुत कुछ कुछ बोलता था ना, अभी इसको दिखाऊंगा कौन है असली किंग। हाँ मरे तू काय गॉगल घालून काय, आता हेलमेट टक्कन दिशी ना ठेवून त्या डोक्याला, डोकं पटून तुझं तुला धरून टाकीन मी, डोकं उचल खाली मग, नहीं जाओ दे भाई एक पड़ रही है। अभी हम ये वाले पॉइंट पे थे, काफ़ी अच्छे रील्स वगैरह निकाले, मतलब रील्स कहता हूँ, काफ़ी अच्छी वीडियोस निकाले हमने जैसे हम रील्स वगैरह के लिए यूज़ करेंगे, जैसे अभी ना सेल्फी स्टिक मैंने कनेक्ट की हुई है, सॉरी लगाई हुई है, मतलब सेल्फी स्टिक पर मोबाइल माउंट किया है, उसी से अभी ये शूट कर रहा हूँ मैं। सो अभी हम तैयारी कर रहे हैं निकलने की, फिर देखते रोड पे कुछ फ्लाई बाय शूट करते हैं, अगर फ्लाई बाय पॉसिबल हुआ तो देखते हैं, फिर मिलते हैं आपको आगे। सो गाइस वैसे ना अभी वहाँ से हम निकल चुके हैं एंड अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, तो फाइनली अभी हम गाड़ी चला रहे हैं बिकॉज़ भाई अपने फ़ोटोज़ वगैरह देख रहा है, हमने जो वहाँ पे निकाले थे फ़ोटोज़ और वीडियोस, तो भाई वही देख रहे हैं फ़ोटोज़ एंड वीडियोस। सो वैसे पहले तो यार स्टार्टिंग में कहा या नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा है, वैसे हमारे रिसेंटली अभी दो दिन पहले 400 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं यूट्यूब पे पूरे, ओके एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर दैट, आपने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया एंड हमारे 400 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दिए, तो आई एम रियली वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच, ऐसा ही प्यार ऐसा ही सपोर्ट दिखाते रहो जिससे कि हमारे जल्दी से 1K भी कंप्लीट हो जाएंगे। एंड ये कहूँगा कि यार आप नए हो चैनल पे पहली बार देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब करो, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करो, शेयर करो जितना हो सके उतना, मतलब सब्सक्राइब तो एक ही बार करना ओके एंड शेयर जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना ओके okay? ऐसा ही हम प्यारा प्यारा कंटेंट लाते रहेंगे आपके लिए, मज़ेदार कंटेंट, प्यारा कंटेंट ओके okay? एंड अभी हम मतलब मेरा ऐसा प्लान है कि एक बड़ी राइड करनी है
बड़ी मतलब ऐसा समझो कि इतनी भी बड़ी नहीं, बट मेरे लिए एक्चुअली ये बड़ी राइड ही होगी। तो ये जो राइड का प्लान है वो मुंबई का है, तो देखते हैं कि यार ये राइड सक्सेसफुल होती है या नहीं। तो वैसे ये प्लान हमने बनाया है मार्च का, मार्च के 4 तारीख का प्लान है। तो 4 तारीख को हम जाएंगे, 2 दिन का स्टे होगा। ओके, तो देखते हैं कि कैसा कैसे राइड, मतलब कैसी राइड होती है कैसे नहीं। ओके, एंड वहाँ पे है थोड़े बहुत राइडर्स जिनसे मतलब है थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप इंस्टा पे से, तो उनसे भी बात करके देखते हैं, अगर वो भी आ पाए तो उनसे भी ज़रूर मिलेंगे। ओके, मतलब पॉसिबल हो तो उनसे भी मिल लेंगे, थोड़ा बहुत कोलैब करके शूट कर लेंगे उनके साथ। ओके, तो मज़ा आएगा काफ़ी। तो राइड का प्लान तो है आगे, तब तक तो यार संडे राइड्स तो होती रहेंगी अपनी, छोटी छोटी संडे राइड्स। जैसे ये वीडियो आपको मतलब आप यहाँ तक देख रहे हो, आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, कमेंट कर देना यार कैसा लग रहा है वीडियो कैसा नहीं। ओके, जैसे यहाँ पर ना अच्छा सा लीन वीन करके मैं वीडियो निकाल देता, बट कोई ना, पीछे काफ़ी सारे वीडियोज़ निकाले, इसीलिए फ्लाई बास के भी निकाले वीडियो, छोटे छोटे 8-10 सेकंड के वीडियोज़ है फ्लाई बास के, तो वो रील्स वगैरह करके, एंड रील्स पे तो डालूंगा मतलब इंस्टाग्राम पे, एंड इंस्टाग्राम की आईडी में इस बार डिस्क्रिप्शन में डाल के रखता हूँ। एक्चुअली मैं पहले डालता था स्टार्टिंग में, उसके बाद मैं ना डालता ही नहीं था इंस्टाग्राम की आईडी, बट अभी डालना शुरू करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टा आईडी मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी आके फॉलो कर देना, वहाँ पर यार रील्स वगैरह काफ़ी अच्छे अच्छे बनते हैं। एंड वहाँ पर मैं डेली एक्टिव रहता हूँ इंस्टा पे, मतलब यूट्यूब पे इतना डेली एक्टिव नहीं हूँ, वीकली आता हूँ बस। शॉर्ट्स वगैरह 2-3 दिन को एक बार डालता हूँ, बट अभी ट्राई करूँगा कि यार डेली शॉर्ट्स डालूँ एंड रील्स भी डेली ही डालूँ। तो कंटेंट तो काफ़ी अच्छे शूट किए हैं, अभी उसी को अच्छे से एडिट विडिट करके रील्स वील्स करेंगे एंड शॉर्ट्स पर भी डालेंगे, उनको देखना लाइक करना। तो आई थिंक अभी ब्लॉग को हमें यहाँ पे एंड करना चाहिए। ओके, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाना चाहता हूँ, छोटा सा ब्लॉग बनाना चाहता हूँ, यार ज़्यादा बड़ा होता है तो वो 10-12 मिनट के ऊपर चला जाता है, तो फिर इतना बड़ा ब्लॉग देखने में शायद मज़ा भी नहीं आता है। हाँ, अगर इंटरेस्टिंग ज़्यादा हो तो डेफिनेटली मज़ा आएगा। अभी अपने पास GoPro भी नहीं है, अगर GoPro होता तो डेफिनेटली यार काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता ब्लॉग, बट कोई ना, हमें GoPro भी ले लेंगे जल्दी, ऐसे ही आप 10 सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट करा दो, GoPro भी ले लेंगे। ओके, वैसे आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक करना, शेयर करना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, एंड जितना हो सके शेयर करना अपने फ्रेंड्स को फैमिली को। तो करते हैं हम इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट संडे राइड पे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।